यरूशलेम के निवासियों ने यहोराम के सबसे छोटे पुत्र अहज़िया को उसके स्थान पर राजा बनाया, क्योंकि अरब वासियों के साथ जो दल शिविर में घुस गया था उसने सब बड़े पुत्रों को मार डाला था। इसलिए यहोराम का पुत्र अहज़िया यूदा का राजा बना। जब अहज़िया राजा बना तो उसकी अवस्था 22 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 1 वर्ष शासन किया। उसकी माता का नाम अतल्या था, जो ओमरी की पौत्री थी। अहज़िया भी अहाब के घराने के मार्ग पर चलता था, क्योंकि उसकी माता उसे अधर्म करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उसने अहाब के घराने की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे लोग उसके सलाहकार बने। इससे उसका पतन हो गया। उनकी सलाह मानकर वह अराम के राजा हजाएल से लड़ने के लिए इसराइल के राजा अहाब के पुत्र यहोराम के साथ गिलाद के रामोत गया। अरामियों ने यहोराम को घायल कर दिया और वह अपने उन घावों का उपचार कराने यिज्रेल लौट गया, जो अराम के राजा हजाएल से लड़ते समय उसे रामोत में लगे थे। तब यूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज़िया यिज्रेल में पड़े अहाब के पुत्र यहोराम को देखने गया, क्योंकि वह वहां बीमार पड़ा था। किंतु ईश्वर के विधान से अहज़िया का पतन इसलिए हुआ कि वह यहोराम से मिलने गया। जब वह उसके पास पहुंचा तो वह यहोराम के साथ निमशी के पुत्र येहू से मिलने गया। प्रभु ने अहाब के घराने का विनाश करने के लिए येहू का राजा के रूप में अभिषेक किया था। जब येहू अहाब के घराने को दंड दे रहा था तो वह यूदा के नेताओं और अहज़िया की सेवा में लगे अहज़िया के भाइयों के पुत्रों से मिला और उन्हें भी मार डाला। इसके बाद उसने अहज़िया की खोज करवाई। जब अहज़िया समारियों में छिप रहा था तो वह पकड़ा गया। वह येहू के पास लाया गया और उसने उसे मरवा डाला, लेकिन वह दफनाया गया, क्योंकि वे कहते थे कि यह उस यहोशाफाट का पुत्र है जो सारे हृदय से ईश्वर को खोजता था। अहज़िया के घराने में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसमें शासन करने का सामर्थ्य हो। जब अहज़िया की माता अतल्या ने देखा कि उसका पुत्र मर गया है तो वह यूदा के समस्त राजकुल का विनाश करने लगी। परंतु राजा की पुत्री यहोशेबा अहज़िया के पुत्र योआश को उन राजकुमारों के बीच से हटा ले गई जिनका वध होने वाला था, और उसे उसकी दहाई के साथ शयन कक्ष में रखा। राजा यहोराम की पुत्री और याजक यहोयादा की पत्नी अहज़िया की बहन थी, इसलिए उसने योआश को अतल्या की दृष्टि से छिपा दिया और वह बच गया। वह 6 वर्ष तक गुप्त रूप से प्रभु के मंदिर में उनके साथ रहा। उस समय अतल्या देश पर शासन करती थी।